दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेनाब वैली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ पर डिप्लोमा और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी एलिजिबल ब्रांचों की तो यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आईटी इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी रहने वाली है। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। ये संस्था ज्वाइंट वेंचर है एनएचपीसी लिमिटेड का। यहाँ पर आप लोगों के लिए अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट रहने वाली है। डिप्लोमा और बीबीटेक के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आईटी इंजीनियर्स यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और आपको बता दूं अप्रेंटिस के बारे में कि आप सिर्फ लाइफ टाइम में एक बार ही अप्रेंटिस कर सकते हैं, वो भी कॉलेज से पास आउट होने के 3 साल के अंदर अंदर। बहुत सी जगहों पर आपकी जो भी अप्रेंटिस होती है इसे एज ए एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। तो जो भी दोस्त इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिए। सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहेगी आईटी की। यहाँ पर आपसे 4 साल का बीबीटेक मांगा गया है आईटी इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है। बीबीटेक के लिए एक पोस्ट है, बीबीटेक आपसे यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए है। बीबीटेक वाले यहाँ पर भी एलिजिबल रहेंगे। अगली पोस्ट यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए है। अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए। बीबीटेक वालों के लिए वैकेंसी है। 4 साल का यहाँ पर आपसे आईटी मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की रहने वाली है। यहाँ पर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है आईटी इंजीनियरिंग से तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं आपकी सभी पोस्टों को यहां पर कैटेगरी वाइज बांटा गया है। सारी पोस्ट यहां पर जनरल के लिए हैं। एक पोस्ट यहां पर सिर्फ ओबीसी के लिए रहेगी। बात कर लेते हैं आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज के बारे में। तो मिनिमम एज यहां पर आपकी 14 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहां पर आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके स्टाइपेंड के बारे में। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे बीबीटेक किया है इन ब्रांचों से, आपको मंथली 12,000 रुपये और डिप्लोमा वालों को 10,500 रुपये प्रति मंथ मिलने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको बताया है जो भी ऊपर आपकी ब्रांचें मेंशन की गई है उन्हीं से आपका बीबीटेक और डिप्लोमा होना चाहिए। आपकी एलाइड ब्रांचें यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगी। रिजर्वेशन यहाँ पर आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली। जो भी इस प्रोजेक्ट से अफेक्टेड फैमिली हैं उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। और जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के हैं जम्मू कश्मीर में, उन लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलने वाला है। या फिर जिनके पास डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर का, उन लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलने वाला है। और जो भी दोस्त हमारे 1 जनवरी 2020 से पहले के पास आउट हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपका सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एमएचआरडी नेक्स्ट पोर्टल पर। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, वैसे यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है नीचे, और इस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको ये पूरा ट्रूली फिलअप करना है। देख सकते हैं आपको जैसे आप बाकी के फॉर्म भरते हैं ऐसी डिटेल यहाँ पर आपसे मांगी गई है। ये वाला फॉर्म आपको पूरा ट्रूली फिल करना है और आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आपको सेल्फ टेस्ट करने हैं और आपको इनके ऑफिशियल एड्रेस पर भेज देना है। लास्ट डेट देख सकते हैं आपके यहाँ पर 15 जनवरी 2023 रहने वाली है। इससे पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट इनके ऑफिशियल एड्रेस पर पहुँच जाने चाहिए। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जो भी आपके बीबीटेक और डिप्लोमा में मार्क आए हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो जो भी दोस्त हमारे इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।